जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमको जानना ही है कृत क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तभी। तो चलिए, आज हमको जानना है यकृत क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, यकृत को हम जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम वीडियो को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए, मनुष्यों में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो पित्त का निर्माण करती है। यकृत को जिगर, कलेजा इंग्लिश में लिवर, शरीर का यह जो है एक अंग है जो केवल कशेरुकीय प्राणियों में पाया जाता है। कहने का मतलब है, मनुष्य के जो पेट है ना, उसमें दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, ठीक है, और मानव के शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। यकृत, तो जिगर, कलेजा इत्यादि इसको हम कह सकते हैं। शरीर का यह क्या है, एक अंग है जो केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। हम जो है एक कशेरुकी है, हम जो है कशेरुकी है, और छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं जैसे केकड़ा हो गया, ये सब जो प्राणी होते हैं अकशेरुकी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका कार्य क्या होता है यकृत का। तो इसका कार्य होता है उपापचय। उपापचय समझ रहे हैं, हमारे जीव हमारे शरीर को हमारे जीने के लिए यानी जीवन यापन के लिए उपापचय होना जरूरी है। और दूसरा कार्य इसका है प्रोटीन को संश्लेषित करना। और तीसरा कार्य क्या है, पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना, पाचन के लिए उसको जैव रासायनिक बनाना, यही इसका कार्य है। तो चलिए, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।